during the Lok Sabha session was on July 30. Former Union Minister Anurag Thakur got into a heating exchange with the leader of opposition Rahul Gandhi. Taking a jibe at Gandhi's caste, the remarks led to an uproar from the opposition and a renewed call to consider the caste census bill. Later, the Prime Minister Narendra Modi also shared the video of Anurag Thakur's speech on Platform X, calling it a must-hear. Congress MPs have said that, responding to this video, which is shared by Prime Minister Narendra Modi, that sharing of video is a breach of parliamentary privilege by the PM. One of the statements have come from Congress's Jairam Ramesh on sharing of the video by PM of Anurag Thakur. Now, Congress's communication in charge Jairam Ramesh has also slammed the Prime Minister Narendra Modi for lauding the former Union Minister Anurag Thakur. Meanwhile, the Congress MPs have staged protests inside the Parliament against the remarks that have been made by Anurag Thakur and termed it as an insensitive and cruel. Remember, viewers, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has also spoken on this. Joining me on the broadcast is my colleague Kanika Katiyar. I believe you are joined by Congress's Pawan Khera at this point of time. And of course, the opposition MPs have collectively been protesting against the statement that has been made by former Union Minister Anurag Thakur in the House yesterday. Also, now saying that it was in the insensitive taste. Well, earlier the statements have also come from Congress's Jairam Ramesh. What does Pawan Khera has to say, Kanika? श्रीमान बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर अगर लोकसभा में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के बयान दिए और खास तौर पर राहुल गांधी से उनकी कास्ट पूछी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो इस बयान से, इस चीज़ से नाखुश हैं। और बिल्कुल पवन खेड़ा मेरे साथ बातचीत करने के लिए लाइव ही जुड़े हुए हैं। जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने कल राहुल गांधी की कास्ट पर सवाल खड़े किया, आप लोग लगातार अब कांग्रेस पार्टी के जो एम पीज हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग कास्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में ये कहा गया था कि जात पात की बात छोड़िए, सिर्फ हाथ की बात कीजिए, एकता की बात कीजिए। राहुल गांधी इस समय केवल कास्ट पे केवल बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लिए आप कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई, आप जब तक जिन जातियों का क्या कारणों से कितना पिछड़ापन है इसको नहीं आंकेंगे, तब तक आप नीतियां कैसे बनाएंगे जिससे उन जातियों का पिछड़ापन दूर हो सके। कल उन्होंने कोई जाति नहीं पूछी राहुल गांधी की, उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि इनकी जात का पता नहीं है। आपको राहुल गांधी की जात का पता लगाना है, करा लीजिए सर्वे, जाति जनगणना करा लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। हम भी भरेंगे अपना फॉर्म, राहुल गांधी भी भरेंगे अपना फॉर्म, डर क्यों रहे हैं? लेकिन बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं और एमपीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बार बार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब राजीव गांधी की सरकार थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, आप लोगों ने तब कास्ट सेंसस नहीं करवाया। अब जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है तो प्रधानमंत्री को अटैक करने के लिए केवल कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया जा रहा है। अब ये क्या मतलब है कि आज ने 50 साल पहले नहीं किया तो अब नहीं होना चाहिए? आज की परिस्थितियां अलग हैं। जिस तरह की नीतियां ये सरकार लाई है उससे जो पिछड़े हैं वो और पिछड़े हो गए। सिर्फ दो या चार दोस्तों के लिए अगर सरकार चलती है तो जाहिर सी बात है कि जो तथाकथित अगड़ी जातियां हैं उनमें भी पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन बहुत बढ़ गया है। ये सब आप कैसे आंकेंगे? ये तभी आंक पाएंगे जब आप ये सर्वे करेंगे, जब आप ये जनगणना करेंगे जो जाति के आधार पर होनी चाहिए। जब बिहार में जाति जनगणना का प्रस्ताव पास हुआ था तब क्या बीजेपी उस सरकार का हिस्सा नहीं थी, राज्य सरकार का? हम ये पूछना चाहते हैं। तब तो इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। जब वो जनगणना हो गई और जब वो बाहर आने लगा तब इन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ये किस चीज़ को छिपाना चाह रहे हैं? क्या इनसे इनकी राजनीति और इनकी विचारधारा की असलियत सबके सामने आ जाएगी, ये डर है इनको? लेकिन एक और सवाल मेरा भी रहेगा पवन खेड़ा जी, क्योंकि साफ तौर पे हमने कल देखा कि जिस तरह से जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में कास्ट को लेकर बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हम कास्ट सेंसस करवा के रहेंगे, तो अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया राहुल गांधी को। इससे पहले देखा गया है कि बिहार में जो आरजेडी प्रमुख है लालू यादव, वो भी लगातार जो है समर्थन करते आए हैं। तो ये छोटे दल हैं इंडिया अलायंस में, इनकी तो कास्ट पॉलिटिक्स चलती है स्टेट में, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी कास्ट पॉलिटिक्स बेस्ड पार्टी नहीं रही है। तो आखिरकार फिर कास्ट की बात बार बार क्यों की जा रही है? पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, लेकिन जो कास्ट पिछड़ गई है उनको आगे लाएंगे या नहीं लाएंगे? और उनको आगे लाने के लिए क्या आपको आंकड़े नहीं चाहिए होंगे कि किस जाति में कितना पिछड़ापन है और क्यों है? तो वो चर्चा तभी हो पाएगी जब आपके सामने आंकड़े होंगे, जब आपके सामने सब फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, तभी तो हो पाएगी। आप चर्चा से भी बच के भागना चाहते हैं, मतलब आपके पास कुछ छिपाने को है। आपको लगता है कि सरकार कास्ट सेंसस करवाएगी और आप लोग ये दबाव बना पाएंगे सरकार के ऊपर? दबाव बना पाएंगे, ये देश दबाव बना पाएगा। ये सरकार अगर कास्ट सेंसस नहीं कराएगी तो ये सरकार गिर जाएगी। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए पवन खेड़ा साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कास्ट सेंसस की मांग कर रही है वो मांग लगातार जारी रहेगी, सरकार पे दबाव बनाने की जो तैयारी है वो भी कर ली गई। और आज देखिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जब हुई तो सोनिया गांधी ने इस बात को कहा कि सरकार तैयार नहीं है कास्ट सेंसस के लिए, लेकिन उस बैठक में ये भी कहा गया कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इस कास्ट सेंसस के मुद्दे पे सरकार को घेरती रहेगी। और पवन खेड़ा ने अभी बिल्कुल कहा कि अगर कास्ट सेंसस सरकार नहीं कराएगी तो सरकार गिर जाएगी, और यही दावा तमाम जो नेता है वो भी कर रहे हैं। दैट आर कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम कांग्रेस पवन खेड़ा, वेयर ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स हैज बीन कमिंग towards the remarks that have been made by former Union Minister Anurag Thakur. Meanwhile, my colleague has also had an exclusive conversation with BJP MP Sudhanshu Trivedi now, and also with other Congress leaders including Pramod Tiwari and Congress's MP Renuka Chaudhary and BJP MP Jagdambika Pal also. Let's take a look. BJP ke rashtriya pravakta Sudhanshu Trivedi ji hamare saath mein maujood hai. Sudhanshu ji, कल अनुराग ठाकुर के बयान के बाद में जाति पर राजनीति चढ़ गई है, विपक्षी दल अनुराग ठाकुर से बीजेपी से माफी मांगने की बात करें संसद में। वैसे जहां तक हमने देखा तो अनुराग ठाकुर ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, अब उसके बाद किसी ने अपने ऊपर क्यों ले लिया ये तो उनसे पूछना चाहिए। इसमें तो हिंदी की एक कहावत लागू होती है जिसे शब्दशा ना लिया जाए, मैं कैवियट लगा कह रहा हूं, किसी के लिए कहावत होती है चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे लगता है यहाँ तो 2 साल पुरानी दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है अपने आप। दूसरा, इंडी गठबंधन में बड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है, अखिलेश यादव जी खड़े होकर बोल रहे हैं बड़े तैश में कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद कह रहे पूरे देश की जाति पूछनी है। तो मुझे लगता है कि जिसे बिहार की भाषा में कहते हैं ना कंफ्यूजिया गए हैं, पहले स्पष्ट कर दें कि जाति पूछनी है कि नहीं पूछनी है। लेकिन सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको चाहे जितनी गालियां दें वो जाति जनगणना करा के रहेंगे। मजे की बात यह है जितनी बार वो ये शब्द बोलते हैं उसके उतनी ही बार अपने स्वर्गीय पिताजी के प्रति प्रकारांतर से गाली निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी सदन में खड़े होकर कहा था सितंबर 1990 में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए कि उन पार्टी का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है, और इंदिरा जी का विरोध करते हैं और उसको रोकने वाले नेहरू जी का। तो पहले वो अपने खानदान के लिए क्या बोलना चाहते हैं इस बात पर तो स्पष्ट हो जाए, फिर बाकी हम लोगों से जवाब मांगे। इतने सुधांशु त्रिवेदी जिनका कहना है कि राहुल गांधी जब जब जाति की बात करते हैं, जाति की जनगणना कराने की बात करते हैं, तब तक वो अपने परिवार का ही विरोध करते हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर सांसद प्रमोद तिवारी हैं। सर, कल राहुल गांधी को जिस तरह से सवाल किए गए, अनुराग ठाकुर ने कहा जिसको जाति का नहीं पता वो गन्ने की बात करता है, घटिया निम्न स्तर की सतही राजनीति की है। अब मंत्रिपरिषद से अगर उन्हें निकाल दिया है मोदी जी ने तो राहुल गांधी बेचारे क्या करें, अपनी खिसियाहट वो राहुल गांधी पे निकालते हैं। उन्होंने जाति शर्मानी दुर्भाग्य है लोकतंत्र। सर आज कांग्रेस CPP की बैठक है, क्या एजेंडा है सर? देखिए हमेशा परंपरागत रूप से होती है, कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करती है, हम सब बैठ के तय करेंगे कि क्या करना है कैसे करना है। हमारी चेयरपर्सन सोनिया जी कहते हैं सभी बैठ जाओ। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। करने के लिए रेणुका चौधरी जी। रेणुका जी, अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से कल राहुल गांधी की जाति को लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर के कहा गया और प्रधानमंत्री ने भी समर्थन किया, इतना कायर है और प्रधानमंत्री ऐसे ही लोगों का तो साथ देते हैं। अफसोस इस बात की है कि इन लोगों की तरबियत ऐसी है कि इनके घरों में ये सिखाया जाता है कि तुम पब्लिक स्पेस में आके ऐसे सवाल उठाते हो, कितने कमज़ोर लोग और कायर भी है कि हिम्मत भी नहीं है सामने आके। आज तो मुखर गए, कह रहे हमने नाम नहीं लिया। शर्म करो, कुछ है तो शर्म करो, किस लहजे में बात करते हैं और क्या कहते हैं। इनको समझना चाहिए सारा देश गवाह है, कुछ बेशर्म लोग कहीं के, और प्रधानमंत्री भी इनका वाह वाह करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ में मौजूद है। पाल साहब, कल जिस तरीके से संसद में हंगामा हुआ है उसके बाद में पूरा पोजीशन माफी की मांग कर रहा है अनुराग ठाकुर से, बीजेपी से क्या कहेंगे? आप तो खुद उस समय चेयर पर मौजूद थे। देखिए वो तो सदन में अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे, उन्होंने जो बोला है उसको मैंने रिकॉर्ड में भी देखा है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया, तो माफी मांगने का क्या सवाल उठता है? सर, क्या ऐसी कोई बात थी जिस पर राहुल गांधी कह रहे थे कि मुझे गाली दी गई है, उन्होंने आरोप लगाया मुझे गाली दी गई, आपको लगता है ऐसे कोई गाली की शब्द का यूज किया? हम वो विपक्ष के हैं, अब उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं,
अगर कोई गाली का शब्द आएगा मैं खुद ही स्पंज कर दूंगा, या कोई भी चेयरमैन होगा उसको स्पंज कर देगा, स्पीकर साहब कर देंगे। लेकिन पाल साहब आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि इस तरह से किसी के नाम के साथ में जाति का शब्द पूछना या जाति पूछना ठीक है? उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया अनुराग ठाकुर जी ने। ये तो जगदम्बिका पाल साहब जिनका कहना है कि अनुराग ठाकुर ने ना किसी का नाम लिया था ना किसी को गाली दी थी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Well, that was the exclusive reactions that we have tracked with most of the top brass of the BJP and the Congress as far as the controversy is concerned by the opposition against the centre on the comments that have been made by the former Union Minister Anurag Thakur against the leader of opposition Rahul Gandhi. Now let's listen in to some of the reactions that are also coming in at this point. Congress party ne jo harkat kiya hai main uska ninda karta hu. कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा करता है वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं, देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं, ये कौन सा तरीका है? अब अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहते हैं, वो यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं हर सुबह शाम जाति जाति, और इन लोगों का जाति नहीं पूछ सकता, ये देश से बड़ा है, ये पार्लियामेंट से बड़ा है। जाति उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए? तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। और देखो द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू, पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक एवरीबडी हैज अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन रचाने के लिए इनकार किया, रिजेक्ट किया, इट वाज जस्ट रिजेक्टेड। ये सब रिजेक्ट करने के बाद इनको अभी ओबीसी ऑफिसर नहीं दिखता है, तो अब ओबीसी ऑफिसर अगर मंडल कमीशन का ये रिजेक्ट न करते तो काका कालेलकर कमेटी को इन्होंने स्वीकारते हैं तो आज के स्थिति ऐसे नहीं बनते थे ना, बहुत सेक्रेटरी बन जाते थे आज के दिन में। तो सेक्रेटरी अगर नहीं है तो एडिशनल सेक्रेटरी अगर नहीं है तो जिम्मेदार हम नहीं, अभी हमने किया है, अभी चार पांच वर्ष में अभी बहुत सेक्रेटरीज आएगा, क्योंकि हमारा पार्टी का एससी एसटी ओबीसी के लिए हम एक क्रोकोडाइल टीयर्स हम नहीं दिखाते, हम तो वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द वीकर सेक्शन। प्रोटेस्टेड इनसाइड पार्लियामेंट अगेंस्ट the insensitive and cruel remarks made by the BJP leaders inside the budget discussion yesterday with respect to the caste census. We know that the caste census is a very emotional issue and many people in India from SC, ST, OBC want this caste census, but their demand was mocked by the BJP yesterday. They were insulted by the BJP inside the parliament, and it is unfortunate that later in the evening the Prime Minister shared that speech, praising that speech. The Prime Minister praised the speech which insulted the Dalit, the OBC and the Adivasi, and we are here fighting for their right, fighting for the caste census, and that is why वी प्रोटेस्टेड। कास्ट सेंसस इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी हमारे देश में पता नहीं चलता है कि कौन सी पॉलिसी लाई जाए, किस एरिया में कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कहाँ किसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से अगर पता ही नहीं रहे कि कहाँ किस जाति के लोग ज़्यादा हैं कम हैं,
तो फिर आप उसके हिसाब से पॉलिसी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें जो है वो कई बार उसमें सांस्कृतिक आधार भी होते हैं। मैं बताऊं कि झारखंड में जल जंगल जमीन की संस्कृति है, आदिवासियों की सब तरह के पर्व त्यौहार जन्म संस्कार विवाह संस्कार मृत्यु संस्कार जंगलों के बीच ही होते हैं, वही साल के पत्ते दोना पहाड़ नदी की पूजा मतलब इस तरह से ही होते हैं। तो वहाँ पर आप डेवलपमेंट करेंगे और जंगल को काट देंगे और वहाँ पर आप कंक्रीट का कुछ बड़ा सा महल बना देंगे तो उससे वो खुश नहीं होंगे, उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हर कम्युनिटी की अपनी अपनी मांगें होती हैं ना। पता नहीं राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना बड़ा अजीब सा है, क्योंकि वो बात को किस तरह से लेते हैं किस तरह से कहते हैं हमें मुझे तो समझ में नहीं आता बिल्कुल भी एकदम, मतलब बात को कहीं और ले जाते हैं वो, कुछ चाहते हैं कहते कुछ और हैं वो, कुछ उस तरह से कुछ बड़ा अजीब सा है। उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.